सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। और देखिए, आप सभी को पता है वर्कशॉप सेशन, वर्कशॉप का मतलब कितने लोगों को पता है? वर्कशॉप क्या है? हिंदी में आप कार्यशाला बोल सकते हैं, इंग्लिश में वर्कशॉप। वर्कशॉप कई तरीके की होती है। बेसिकली यहाँ दो तरीके की वर्कशॉप होती हैं, जो कि हम ISBCS के एग्जाम में बच्चों को गाइड करने के दृष्टिकोण से देखते हैं। पहली, जिसको आप कहते हैं क्लासिकल, यानी कि परंपरागत हिंदी, जिसमें टीचर आता है और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करता है कि एग्ज़ाम क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, उनके आधार पर आपको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज होंगे, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, उनका सोल्यूशंस क्या होगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो यहाँ पे एक तो है क्लासिकल, दूसरा जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा इनोवेटिव, और बेसिकली आज की जो डिमांड है, आपको इनोवेटिव होना चाहिए सबको। तो थोड़ा सा इसे हम क्रिएटिव करते हैं, थोड़ा इनोवेटिव होते हैं, इसके कारण इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। जहां पर हम कहते हैं इसको हिंदी में सहभागी कार्यशाला, और मैं यहां पे सहभागी कार्यशाला लूंगा, ना कि परंपरा। रीजन क्या है? मैं आपको बिना समझे सिर्फ आपको गाइड करूं, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स की डिफरेंट टाइप की, आपको कह सकते हैं, स्ट्रेंथ होती है और डिफरेंट टाइप की वीकनेसेस भी होती है। मैं अगर सबको एक चीज बता दूं तो हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए अच्छी हो, लेकिन सभी लोगों के लिए वो अच्छी होगी ये जरूरी। और इसके कारण क्या होगा, कुछ टाइम बीतने के बाद आप वापस टीचर के पास जाओगे, कहोगे सर मुझे ये दिक्कत हो रही। तो टीचर कहता है वर्कशॉप सेशन तो लिया था, आप नहीं थे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है जो कि आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग, सही है? तो हम यहां पर पहले आपको सुनेंगे और उसके बाद आपकी कही गई बातों के हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है? मेरा काम फिलहाल यहां पर इतना है, बाकी सारी चीजें फिर रवि सर आएंगे, वो चीजें आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, स्टार्ट करते हैं पीछे से। और तो सबसे पीछे अपना इंट्रोडक्शन दें, और उसके बाद पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, नाम, कहां से आए हैं और क्या किस प्रकार के एग्जाम को टारगेट करने का गोल्स आप रखते हैं। किसके? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, आप बताएं। ओके, एग्जाम UPSC। ओके, एग्जाम दोनों, ओके। अभी सोचा ही नहीं, देखिए डिफरेंट, ठीक है, आप बताएं। सर मेरा नाम करण है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद सर, UPSC CSE पे। माय नेम इज यस, आई फ्रॉम इटा यूपी, टारगेट PCS प्लस UPSC। मेरा नाम यूज करना है, बिहार से हूँ, यूपी से बिहार से किया है। मनीष कुमार, बिहार से, UPSC और UPSC। नीरज कुमार सुधाकर, UPPCS। Only? Yes. Okay. My name is Tim Kumar from Bihar, UPSC and UPS.
अनिल भारद्वाज फ्रॉम काशीगंज यूपीएससी। रत्नेश फ्रॉम गाजियाबाद यूपीएससी। शामिल कुमार और मेरा नाम शिव। मेरा नाम राहुल है, मैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी कर रहा हूं। माय नेम इज कॉमल, आई एम फ्रॉम मथुरा, टारगेट इज यूपीएससी। चीमू फ्रॉम गाजियाबाद, टारगेट इज यूपीएससी। ओके, मोस्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक चीज कॉमन है, यूपीएससी। मोस्टली ऐसा नहीं सबका है, लेकिन सब ज्यादातर लोगों का यूपीएससी है। एक बड़ा परसेंटेज मान सकते हैं हम, 95% लोगों को यूपीएससी करनी ही करनी। दूसरा एक बड़ा परसेंटेज और आपने सबने सुना है, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपने जो बोला है मैं उसी हिसाब से चीजें बस आपको इसी टॉपिक पर डिस्कस करें, ठीक है। बाकी क्लास होती रहेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं डिस्कस करेंगे, लेकिन आज एक टॉपिक जो आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो आप यूपीएससी और यूपीपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को एक साथ प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं, और अगर करना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या क्या ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो आज हमारे वर्कशॉप सेशन का यही मेन टॉपिक रहेगा और मैं यही सिर्फ यहां पर चीजें डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूपीएससी वर्सेस स्टेट पीएससी। ये दो एग्जाम, कहने को दोनों सिविल सर्विस एग्जाम है ना। जितने लोगों दो एग्जाम को टारगेट करके आए हैं, क्या आप सभी ने उन दोनों ही एग्जाम के सिलेबस चेक किए हैं? जिनको जैसे यूपीएससी बीपीएससी का, तो जो उन्होंने दोनों चेक किए हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी का आपने चेक किया है, आरएएस यूपीपीएससी का चेक किया है आपने, जिन्होंने दो एग्जाम टारगेट किया हुआ। कोई ऐसा है जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है यहां पे ऐसा बैठा हुआ है? कोई सिलेबस नहीं चेक किया? आपने भी नहीं किया है और सबने चेक किया है, ठीक है। यूपीएससी को अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से कह सकते हैं वेल डिफाइंड का मतलब होता है हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से बताया गया है क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है, का मतलब स्टेज वाइज प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री में आपको क्या पढ़ना है, मेंस में आपको क्या पढ़ना है और इंटरव्यू में आपको क्या पढ़ना है। लेकिन बात करें अगर स्टेट पीएससी की, सबसे हमने सारे सिलेबस देखे हैं तो मुझे जो सबसे कह सकते हैं कि ऐसा सिलेबस जिसको पढ़ने के बाद टीचर भी कंफ्यूज रहता है कि हम बच्चों को गाइड कैसे करें, वो है बीपीएससी का, जहां पर एक पेज में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है कि बच्चे को क्या क्या गाइड करना है। और जब उनका पेपर देखा जाता है तो उसमें वो भी चीजें पूछी होती हैं जो शायद उनके सिलेबस में सही तरीके से डिफाइन तक नहीं। ऐसी चीजों में आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे ये डिफाइन करना और इसकी प्रिपरेशन करना अपने आप में बहुत टफ है। दूसरी चीज आती है लेवल। कभी भी यूपीएससी के मैच का कोई भी स्टेट पीएससी नहीं है, पहली चीज है। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सब स्टूडेंट कहता है, सर अगर हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो हमारा तो स्टेट पीएससी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा ही करें, यूपीएससी तैयार करते हैं, स्टेट पीएससी में तो एग्जाम हो ही जाएगा। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। पहली चीज है, अगर पहले सीढ़ी ही गलत लोगे तो आगे यहां पर समस्या आएंगी, इसलिए ईमानदार जितना आप रहोगे उतनी अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी। इसलिए खुलकर बताइए कितने लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब है स्टेट पीएससी हमारा तैयार हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूपीपीसीएस का ऑल एन एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कॉमन है अगर देखा जाए उनका। हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं क्वेश्चंस का वो डिफरेंट होता है, लेकिन ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो फिर भी डिफरेंस रहता है। डिफरेंस क्या होता है हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी डिमांड करता है बहुत सारी चीजों की जो आप एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। एक रेगुलरिटी का होना, एक अच्छी समझ का होना, आपका इनोवेटिव होना, क्रिएटिव होना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का होना, और अपने सिलेबस को आप करंट ओरिएंटेड चीजों के साथ अप टू डेट रखना। लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं, क्लासिकल वे, सब्जेक्ट उठाया, बुक्स ली, स्टडी किया, रिवीजन तक नहीं करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं और सालों साल निकल जाते हैं, प्रिपरेशन को एक साल से ज्यादा लग जाता है, और हम वापस से जब उस सब्जेक्ट को वापस दोबारा उठाकर पढ़ते हैं तो फिर से जीरो लगता है, यानी कि नए सिरे से पढ़ाई करना।
फिर कहते हो याद नहीं होता है। आपको आएगा ये दिक्कत अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं? ठीक है, और कितने लोग 6 महीने से ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप लोगों की दिक्कत आती है कि 6 महीने में आपने जो पढ़ा है वो याद है आपको? नहीं याद है? सोचते हो कि क्या दिक्कत आती है? क्या ये कॉमन है कि जो सब्जेक्ट आपने पहले महीने पढ़ा था वो 6 महीने तक आते आते उस चीजों को दोबारा नहीं पढ़ पाए? रिवीजन है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम फिलहाल भी बहुत सारी चीजें हैं और डिस्कस करने के लिए आप सुबह शाम तक बैठे रह जाओगे, तो हम यहां पर सिर्फ फिलहाल का फोकस करते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी। चीज ध्यान रखिएगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप दो चीजों को साथ में लेकर पढ़ो। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दो नाव पे सवारी करना। दो नाव कभी भी रास्ते एक जैसे नहीं होते। अगर कहीं भी उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया तो आपके साथ समस्या आ जाएगी कि आप किस नाव पे रहो और किस नाव को छोड़ो। दूसरी चीज, आपकी प्रिपरेशन हमेशा डिमांड करती है एक चीज पर फोकस होकर, लेकिन वो फोकस आपका दो चीजों पे, यानी कि डिवाइडेड है, और कभी भी डिवाइडेड फोकस किसी भी चीज में काम नहीं आएगा। अर्थात ना आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे और ना ही आप स्टेट पीएससी क्लियर कर पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि डिमांड एक करेगा कि आप हिस्ट्री में, आपको होता है कि एशियन मॉडर्न मिडिवल आईपीआई आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ पढ़नी है, बहुत डिटेल से पढ़नी है। दूसरा कहेगा कि नहीं, आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी, यहां से यहां तक पढ़नी है, एशियन पढ़नी तो यहां से पढ़नी है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यूपीएससी पूछ रहा है किसी टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन, यूपीपीएससी पूछ रहा है किसी 5 से 10 क्वेश्चन। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का होता है, जहां पे यूपीएससी पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वहीं स्टेट पीएससी आपसे पूछेगा वन लाइनर, अर्थात आपको फैक्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अर्थात दोनों की डिमांड अलग है। अर्थात आप एक ही टाइम पे एग्जाम का बहुत समय नहीं होता है। हो सकता है यूपीएससी का एग्जाम अगर जून में हो रहा है तो अदर स्टेट पीएससी का एग्जाम 2 महीने पहले हुआ हो या 2 महीने बाद हो रहा है। मोस्टली ऐसा ही सिचुएशन आएगी, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप 2 महीने में यूपीएससी का रिवीजन करने बैठोगे या फिर यूपीपीएससी का या अदर स्टेट पीएससी का, क्योंकि यहां पे डिमांड आपकी अलग रहेगी, डिमांड अलग है। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, आपको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी। सबसे पहली चीज, जो उसने इस साल पूछा है अगले साल नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल वाइज 2020, 2021, 2019 और 2022 के एग्जाम्स को देखिए, 2 साल उन्होंने करंट को छुआ नहीं और 2 साल उन्होंने बहुत अच्छे खासे करंट क्वेश्चंस पूछे। अर्थात हो सकता है अगर आप कुछ चीजें छोड़कर पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी में काम नहीं आएगा, लेकिन स्टेट पीएससी में आप कुछ चीजों का अगर टारगेट कर लें तो आप एक आसानी से क्वालिफाई कर सकते। लेकिन थिंकिंग प्रोसेस अलग रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपका माइंड जितना फोकस होगा पर्टिकुलर किसी इस एग्जाम में, उसके चांसेस उतने ही बेटर हो जाते हैं क्वालिफाई करने। कभी आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे डबल डिग्री की सोची है? अर्थात बीएससी भी करना चाहा हो और दूसरी तरफ आपने बीकॉम भी करना चाहा, क्यों? ये कुछ ऐसा ही है जो लगता है एक जैसा है कि यार डिग्री ही तो है, पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे, एग्जाम दे लेंगे और क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन साल दो साल की प्रिपरेशन करने के बाद जब आपको वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं तो पूछने लगता है कि गलती कहां कर रहे हैं। गलती आपने स्टार्टिंग अर्थात अपने पहले स्टेज से ही की है। पहला चरण ही जब गलत रखोगे तो मंजिल पर कब तक पहुंचोगे? शायद कभी नहीं, और पहुंचोगे भी तो दूसरों के मुकाबले आप बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। एक व्यक्ति अगर एग्जाम को टारगेट करे, चाहे वो यूपीएससी जैसा एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर आप एक एग्जाम को ही टारगेट करके चलें तो 2 साल बहुत अच्छे होते हैं, जहां पर आप अच्छे से कमांड हासिल कर सकते हैं, अच्छा रिविजन कर सकते हैं और सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्या पूछना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज हो चाहिए, वो सारी चीजें। लेकिन दोनों चीजों पे आप सफल करते रहोगे, 2 महीना इसको पढ़ा, 2 महीना उसको पढ़ा, फिर 2 महीने इधर आए, फिर 2 महीने उधर आए, ये ऐसे चलेगा, प्री आपका क्वालिफाई हो सकता है बहुत आसानी से। चलिए एक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। एक तरफ यूपीएससी लेते हैं, एक तरफ यूपीपीएससी, जैसे एग्जाम्पल कोई भी आप स्टेट पीएससी यहाँ पे रख सकते हैं जो जो भी तैयारी कर रहा है। मान के चलते हैं प्री एग्जाम है, इनका टाइम ड्यूरेशन मानते हैं जून 2023, ठीक है। यूपीएससी का कब हो? आसी पास होता है। यूपीएससी के एग्जाम में आप देखेंगे यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में बहुत डिफरेंट नहीं होता, ये शायद 1 महीने के अंदर अंदर या 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये एग्जाम होते हैं,
जो भी आप देखे होंगे पिछले दो साल में आप उठा के देख लीजिएगा, यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम में आपको मैक्सिमाइज एक महीने से ज्यादा अंतर कभी नहीं मिलेगा। तो हम मान के चलते हैं अगर ये जून 2023 में हो रहा है, या तो ये आपको मई में हो जाएंगे या तो ये आपके जाके जुलाई में चले जाएंगे, अर्थात एक महीने पहले या एक महीने बाद आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की एग्जाम। प्री की बात है, अब आते हैं मेंस में। मेंस का एग्जाम हमेशा आपको दो से ढाई महीने बाद होगा। मान लेते हैं चलिए आपको क्वालिफाई हो गया मेंस, सॉरी प्री आपका क्वालिफाई हो गया, मेंस का एग्जाम आपको सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। इनका भी एग्जाम मेंस का पड़ जाएगा सितंबर अक्टूबर में, ये भी गैप नहीं देंगे आपको। लेकिन एग्जाम क्या है, दोनों की डिमांड देखिए, सिलेबस पता है मेंस में, सारी चीजें आपको पता है। यहां पर कुछ चीजें आपको कहेंगे सर एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आप कहते हैं यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, जनरल हिंदी का पेपर है जो कि नंबर आपको उसके जुड़ते हैं, बाकी सारी चीजें आपको यहां भी मिलेंगी यहां भी मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन के पेपर आपको अलग अलग तरीके के होते हैं, यहां आपको इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग करना होगा मेंस के लिए। तो चीजें क्या है, समय, टाइम, यहां पर आपको इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, आप इस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो यहां पे क्या होगा, ये टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, यहां पे आपको यूपी पढ़ना है यहां पे टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, जनरल हिंदी पढ़नी है उसका टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, और अगर ये एग्जाम आसपास हैं तो आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे, या फिर आपका जनरल हिंदी का पेपर खराब होगा, यहां आपकी इंग्लिश क्वालिफाइंग अगर नहीं हो पाई, तो आप मेंस में बहुत अच्छा करके गए हो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, लेकिन पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट अगर इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका मेंस वहीं धरा का धरा रह जाएगा, और एक साल फिर वेट करिएगा कि प्री का एग्जाम आएगा, उसे क्वालिफाई करोगे तब जाके मेंस लिखने का मौका मिलेगा, और इसके कोई चांसेस नहीं है कि अगली बार आपका प्री क्वालिफाई होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मेंस या इंटरव्यू दिया है और अगले साल के एग्जाम में उनका प्री क्वालिफाई नहीं, उन्होंने वेट किया है दो दो साल तीन तीन साल। तो चीजें क्या हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में आपका भविष्य छुपा हुआ, अर्थात हर एक समय के साथ आपको छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजन या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे। प्लस आप ही बना सकते हो और माइनस भी आप ही बनाओ, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जैसे आज मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन एक साथ क्यों ना करें, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मत करिए, ये डिसीजन आपका है, आप कंटिन्यू तब भी कर सकते हैं मेरे बताने के बावजूद, क्योंकि लाइफ आपकी है, समय आपका है, डिसीजन भी आपका है, हमारा काम यहां पर गाइड करना है। जैसे एग्जांपल अगर दूं, स्पोर्ट्स देखते हैं कोई भी, स्पोर्ट्स में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है जो मैदान में खेलता है और एक होता है जो मैदान से बाहर कोच करता है। आप लोग मैदान में उतर कर खेलने वाले लोग, और हम टीचर जो होते हैं वो कोच की तरह होते हैं जो बाहर से आपको गाइड करते हैं। जिस दिन आप मैदान में फील्ड में उतरोगे उस दिन हम आपके साथ नहीं होंगे, हम सिर्फ उस समय तक साथ होंगे जब आप प्रैक्टिस सेशन में, हम आपको बताएंगे क्या नहीं करना है और क्या करना है, लेकिन जब मैदान में आप जाओगे खेल रहे होगे तो वहां पर सारा का सारा दारोमदार आप पर, क्या आपने क्या ट्रेनिंग ली है, क्या प्रोसेस अपनाया है, कितनी प्रैक्टिस है, कितने निपुण हो गए हैं, कितने स्किल्डफुल हो गए हो, और उसका उस समय यूज करते हैं। अगर कर पाए तो आप सक्सेसफुल, सक्सेस भी आपकी होगी, नाम भी आपका होगा, लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर बहुत सारे बर्डन आते हैं। एक बहुत ही सिंपल चीजें हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रेशर बिल्डअप होता है, एक फैमिली प्रेशर, शादी का प्रेशर, करियर का प्रेशर, और अपने स्तर पर मेंटली प्रेशर। हम खुद जब एक बार दो बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं किसी फील्ड में, तो एक बहुत ही निगेटिव वे में हमारी मेंटेलिटी यहां पर डेवलप होती है कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, शायद नहीं। और ऐसा बहुत होता है, नॉर्मल सभी के साथ होता है कि कहते हैं कि सक्सेस मिलती जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अनसक्सेसफुल होते हो तो उस समय आप अपने लाइफ को, अपने डिसीजंस को किस तरीके से लेकर आगे बढ़ोगे वो डिफाइन करेगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर बहुत मायने रखता है, और कैरेक्टर ही डिफाइन करेगा कि आप देखिए, आईएएस पीसीएस हर कोई व्यक्ति नहीं बनता है, लेकिन इस फील्ड में वो कैरेक्टर चाहिए, वो पेशेंस चाहिए जो आपको इस फील्ड में कंपीट करने के लिए हमेशा मेंटली स्ट्रांग रखेगा। और एक चीज, पेशेंस बहुत जरूरी। आप 6 महीने में रिजल्ट ले आएंगे,
ऐसा नहीं है, आईएएस साल भर में आ जाएगा, डेढ़ साल में आ जाएगा, दो साल में आ जाएगा, और किसी किसी को पांच साल भी लग जाएंगे, किसी का होगा भी नहीं। एक टाइम आएगा जहां पे आप सोचने लगोगे कि क्या आईएएस पीसीएस मेरे फील्ड के लिए है, क्या इसे छोड़ देना चाहिए। ये भी है, सब कुछ आता है लाइफ में, लेकिन एक चीज जो है, स्टिक टू योर बेसिक्स। सिंपल चीजें हैं, जितना आप वहां पर उस पर मेहनत करोगे उतने यहां पर आप अच्छे होते जाओ। और इसलिए एग्जाम को लेकर पहली जो चीज है, सिलेबस आप इसे चेकआउट करो, आप यहां पर जो डिफरेंसेस पाओगे, अगर आपको लगता है कि आप इसके साथ जा सकते हो दोनों एग्जाम के लिए तो जाइए। लेकिन मेरा अपना सजेशन, आप पूछोगे सर करना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। आप कुछ साल, अगर यूपीएससी पहला टारगेट तो सबका होगा, आई एम श्योर कि आपको आईएएस बनना है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं किसी भी लड़के का, तो वहां पे उसका लड़का या लड़की जो भी है, पहली गोल होते हैं कि हम आईएएस बने। लेकिन क्या पीसीएस हमारा बैकअप प्लान होता है? क्या आईएएस हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं इसलिए हम पीसीएस की ओर जाते हैं? ये मेंटेलिटी मत रखिएगा। एक डिसीजन है, हमें आईएएस करना है पीसीएस करना। बहुत लोग पीसीएस प्रिफर कर लेते हैं। रीजन क्या है कि पीसीएस थोड़ा इजी होता है, थोड़ा सा आप वहां पे कंपटीशन का लेवल देखें सिर्फ स्टेट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, लेकिन आईएएस के लिए इवन ऑल इंडिया लेवल का आपको कंपटीशन झेलना पड़ता है। बहुत ज्यादा वहां पर आपको वैकेंसी नहीं आएंगी पहली बार, और अगर आएंगी भी तो ऑल इंडिया लेवल पे जो आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा उसके लिए आपको बहुत बेहतर होना पड़ेगा, बहुत बेहतर। आईएएस कहते ना, घर का हलवा नहीं है, जब बनाया मन हुआ खाया और निपट लिया। आईएएस का एग्जाम है जहां पर आपसे अच्छे भी होंगे और आपसे खराब भी होंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनती होंगे जो आपसे खराब होने के बावजूद सक्सेस वहां पर पा जाएंगे, और कुछ लोग बहुत अच्छे भी होंगे उनको कम समय लगेगा वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप में से किसी का नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि सबका यहां पर हो जाए, दोनों चीजें। लेकिन हाँ, डिपेंड होगा कि किसका होगा किसका नहीं होगा, ये कौन बताएगा, ये आप बताएं। अगले साल इनमें से कितने लोग किस लेवल पे होंगे, यहां पे कंपटीशन कोई और नहीं है, कंपटीशन आप खुद हैं अपने लिए, आपके आसपास बैठे लोग हैं आपका कंपटीशन। ये इनमें से यहां पर जितने भी लोग हैं सब एक सीट के लिए लड़ने वाले, सिर्फ एक सीट, लेकिन वो सारी सीटें किसकी होंगी, कौन उस पर कब्जा करेगा, कौन वहां पे उस पर फाइनली आईएएस का पोस्ट वहां पे लगाओ, कौन वहां पर उसको ऑफिस मिलने वाला है, ये एक साल डेढ़ साल में पता चल जाएगा। तो यहां पर आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में आप दोनों चीजों को लेकर चल सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ये आपका अपना डिसीजन है चीजों को फॉलो करने को लेकर के। हाँ, लेकिन अगर जाना भी है तो पहली चीज टाइम ड्यूरेशन सेट रखिएगा। एग्जाम के टारगेट यहां पर देखिए, अगर गैप बहुत ज्यादा है किसी भी एग्जाम में, जैसे कि यहां पर हमने कहा कि बहुत कम गैप होता है, ऐसे एग्जाम मत चूज करिए। हाँ, उन स्टेट पीएससी को आप चूज कर सकते हैं जिनमें कम से कम प्री के एग्जाम में, अगर यूपीएससी और बीपीएससी है, अगर इन दोनों के एग्जाम में 2 से 3 महीने का गैप है प्री में, तो आप एक बार ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप बहुत कम है, प्रिपरेशन का ज्यादा समय नहीं है, तो ऐसे एग्जाम को एक साथ मत टारगेट करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मतलब 2023 में आप यूपीएससी दे दिया, नहीं हो रहा है तो एक साल आपने यूपीपीएससी ट्राई कर लिया, फिर अगले साल आपने 2025 में वापस यूपीएससी दिया। वाई चाहिए प्रिपरेशन, अपने आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज आपको पता चल जाती हैं साल भर में, आप किस में अच्छे हैं और किस में अच्छे नहीं हैं। कहते हैं ना कि यदि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो आपको अपनी वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए। वाई स्ट्रेंथ आपको जितनी मेहनत करोगे वो उतने ही अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको वीकनेसेस अपनी नहीं पता है, अपनी कमजोरी नहीं पता, और अगर पता भी है, देखिए 4 तरीके के स्टेप्स होते हैं जो वीकनेस को लेकर के। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी वीकनेस पता ही नहीं, वो सबसे खराब होता है। वाई क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी कमजोरी क्या है, और जब आपको कमजोरी ही नहीं पता है, जब आप फील्ड में उतरोगे तो वहां पर वो कमजोरी कभी भी आपके सामने आ सकती है और वहां से आप बाहर हो जाओ। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी कमजोरी तो पता होती है, लेकिन उसको लेकर वो उनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है, अर्थात करना क्या है, कैसे दूर करना है, क्या चीजों को लेकर, वो ठीक ठाक लोग होते हैं। तीसरा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अपनी वीकनेसेस भी पता होती हैं और वहां पर उसके बारे में वो सोच भी रहा होता है, किसको लेकर किसी से डिस्कस करता है, चीजों को बताता है, एक्सप्रेस करता है, वो लोग उससे बेटर होते हैं। और चौथे ऐसे लोग होते हैं जिनको न सिर्फ अपनी वीकनेसेस पता होती है,
न सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं बल्कि उस पर लगातार काम करके उससे निजात पाने की कोशिश भी करते हैं, और वो लोग सबसे बेटर होते हैं। वाई? क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपकी है ही है, और यदि आपने अपनी वीकनेसेस पर भी उससे ओवरकम हो गए, उससे जीत लिया, उसे बेटर बना लिया, तो आपकी कोई वीकनेसेस बचेंगी ही नहीं, और इस एग्जाम में वीकनेस ना होना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। तो आई होप सो यहां पर आप सभी ऐसे हों कि जिनको अपनी कमजोरियां पता, कुछ कॉमन होंगी, जैसे किसी को याद नहीं होता, और मोस्टली यहां पर होता है। कुछ लोग मेमोरी पावर लेकिन बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग थोड़े से फोटो मेमोरिक लोग होते हैं जिनको चीजें देखी हुई याद हो जाती हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आई होप सो यहां पर कोई नहीं है, है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक बार पढ़ी हुई चीजें याद रहती हैं मोस्टली टाइम तक? ऐसा है, वेरी गुड। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज की पढ़ी हुई चीज कल तक याद नहीं रहती? ऐसा भी कोई नहीं होगा। तो मतलब ऑन एन एवरेज लोग होते हैं जिनको पढ़ी हुई चीजें कुछ टाइम तक याद रहती हैं और कुछ टाइम के बाद भूल जाती हैं। व्हाई? रिवीजन नहीं करते हैं। और क्या रिवीजन कर लेने से हमेशा चीजें याद रहती हैं? टाइम टू टाइम अपडेट करना। और किसी को कोई थॉट? फैक्ट नहीं याद होते हैं, कहानियां याद हो जाती हैं। लेकिन इकोनॉमी अगर देखें तो बहुत फैक्ट है, साइंस देखें बहुत सारी फैक्ट है, साइंस एंड टेक देखें तो फैक्ट है, ज्योग्राफी देखें तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लेकिन फैक्ट है। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है किसी टॉपिक को लेकर, अगर एक बार आपने उसे चीजों को अच्छे समझ लिया तो आपको वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहती। लेकिन अगर आपने उसे रटना शुरू किया है तो रटी हुई चीजें आपको हमेशा याद नहीं रहेंगी। इसीलिए हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, तो वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। होता है, इसको लेकर एक चीज कहा जाता है कि आप लंबे टाइम तक किसी चीज को याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा सिर्फ पढ़ते मत रहो। पढ़ाएंगे तो हम भी, यहां भी बैठ के पढ़ोगे ही, लिखाया जाएगा तो लिखोगे भी, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या करो? कितने लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो? कैसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी क्लासेस कर रहे हो? ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आप सब कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्लास करने के बाद, ठीक है क्लास फिनिश हो गई, उसके बाद आप लोग जो भी पढ़ा हुआ है उसके साथ क्या करते हैं? चलिए आशीष जी बताएं, बैठ के बताइए आराम से। चैप्टर वाइज आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ कुछ करते हैं? कुछ नहीं। हाँ जी, सारी चीजें। हाँ सर, और फिर देखते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई फिर उसे मारते हैं। और कोई कुछ और भी कोई करता है या सब बस यही दो चीजें काम करते हैं? हाँ, डिबेट। क्या डिबेट? किसके साथ? डिबेट कर लेते हैं, ठीक है। इधर एनी अदर ऑप्शन, एनी अदर, अगर आप कुछ और क्रिएटिव होते हैं या कुछ करते हैं? अच्छा, की पॉइंट निकाल लेना और उसको याद करना, वो चीजें याद भी रहती हैं, की पॉइंट ज्यादा याद रहेंगे बजाय पूरे पूरा पैराग्राफ याद रखने के बजाय। डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। क्या सर ने वैसे बताया होगा आप लोगों को, पढ़ाते हैं, एक चीज सर बोलते होंगे या जो कि सबको करना भी चाहिए, क्रिएट ओवर योर ओन शॉर्ट नोट्स। कितने लोग बनाते हैं शॉर्ट नोट्स? शुरू किया है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है? कीवर्ड में लिखना। कोई एग्जांपल देना चाहेगा? चलिए, आपने अभी लास्ट टॉपिक क्या चल रहा है अभी आपका? एशियन हिस्ट्री चल रही है?
मॉडर्न भी चल रही है, एशियन भी चल रही है। चलिए कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, एशियन से उठाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है। अब हड़प्पा सभ्यता को अगर आपको की पॉइंट्स आपको जो लिखा हो या शॉर्ट नोट्स में बनाया है, चलिए कोई 5 की पॉइंट्स बताएं और क्रम से होनी चाहिए। प्रियंका जी कौन है? अच्छा, बहुत बेस्ट है। हाँ प्रियंका जी, आप तो बहुत शांत, अगर काम कर रहे हैं तो बताना चाहिए। बताएं, बैठ के बताइए। देखिए शॉर्ट नोट्स में बनाने के भी अपने तरीके हैं, और याद रखने का मैं आपको कहूंगा अगर आप इस पर काम करेंगे तो सबसे बेस्ट चीज होती है आपको अपनी चीजों को जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको हमेशा याद रहे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्जाम में आपको साथ में प्रिपरेशन करने से प्रॉब्लम आती है, उसका भी ये सोल्यूशन। व्हाई? टाइम सेविंग। टाइम सेविंग क्यों है? क्योंकि एक बार अगर आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा टाइम जाता कहाँ एग्जाम के टाइम पे? रिवीजन करने में तो जाता है, और रिवीजन करने में अगर आपके पास जो सर ने नोट्स लिखाई है या अगर आप बुक्स के थ्रू रिवीजन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? साथ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में 15 से 20 दिन रिवीजन में चला जाएगा, और आपको अगर रिवीजन शुरू करना है तो कम से कम 5 से 6 महीने की प्लानिंग बनानी पड़ेगी रिवीजन के लिए। कम से कम इतना टाइम चाहिए होगा पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए। लेकिन 200-300 पन्ने की कोई नोटबुक या 200-300-400 पेज की कोई बुक पढ़ने के लिए जो टाइम आपका वेस्ट होगा, अगर आपके शॉर्ट नोट्स उन्हीं को हम 50 से 70 पेजेस में कंप्लीट करें, अर्थात 300-400 पेज की बुक को 1/4 होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ध्यान रखिएगा, 100 पेज की बुक पढ़ रहे हो तो 25 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 400 पेज की बुक है तो उसको 100 पेज में क्रिएट करो, वो है आपके शॉर्ट नोट्स। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स में 1/4 होने के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी क्या होती है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा कोई चीज को लिखने का क्या तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कोई टॉपिक हो गया जैसे हमने कहा हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा को लेकर के आपने पॉइंट बना लिया। पॉइंट ऐसे नहीं बना, सिर्फ कुछ की पॉइंट्स लिखने, लेकिन इन की पॉइंट में लिखना क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लाइक कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्या खोजा गया। क्वेश्चन यही पूछेगा, आप कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए या यूपीएससी या बीपीएससी क्वेश्चन उठा के पूछ लीजिए, मल्टीपल चॉइस को भी क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे तो क्या होता है, कौन सी चीजें हैं, कहां पाई गई, कब खोजी गई, कौन कौन सी चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं, और उसके बाद 1 2 3 3 2 1 1 4 3 ये करके पूछेंगे। तो क्या पूछा गया? फैक्ट। किसके बारे में? पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में। तो हमें यह पता क्या होनी चाहिए? पूरी कहानी नहीं पढ़नी, मेन क्या है? वो की पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते है ना। और उसके लिए अगर मुझे पूरी बुक खोजनी पड़ जाए कोई एक की पॉइंट ढूंढने के लिए, तो वो टाइम वेस्ट करना होगा, आप स्मार्ट नहीं है। दूसरा बंदा आपसे स्मार्ट होगा कम समय में, हो सकता है आपने 6 महीने का प्लान बनाया एक बार रिवीजन करने के लिए, किसी ने अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर रखे हैं, उसने 6 महीने में 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया। टाइम किसने सेव किया? स्मार्ट वर्क किसका है? क्रिएटिविटी किसकी काम आई? और रिजल्ट किसको मिलेगा? आप इस बंदे से कंपीट कर सकते हो? आप एक बार पढ़ के गए हो, 3 बार पढ़ के गए, आपको बेटर याद हो गया उसे? तो आप पिछड़ जाओगे स्टार्टिंग में ही। गलतियां, मैं हमेशा कहता हूं, गलती आदमी पहले स्टेज से करना शुरू करता है, और जब तक लास्ट तक पहुंचता है, एग्जाम देने तक आता है, तब तक वो दूसरों से बहुत पीछे छूट चुका होगा। तो गलती नहीं करनी। वर्कशॉप सेशन यही है कि आपको वो चीजें बताई जाएं जो आप आगे चलकर करने जा रहे हो, जो आपको नहीं करनी, जो आपको अभी से सुधारनी है, जो आगे तक कंटिन्यू रखना है और आपको रेगुलर रहना है। तो शॉर्ट नोट्स पर सबको फोकस करना है। आपको अभी समय लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो समय आज आप लगाएंगे वो उस समय काम आएगा जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इस टाइम को आप इसको कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे,
अर्थात वो 2-3 महीने जो आपके एग्जाम के क्वालिफाई करने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देंगे। आपको अभी ये बोरिंग लग सकता है, थकाऊ लग सकता है और प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, लेकिन यही आपके सॉल्यूशन कह सकते हैं सक्सेस की सबसे बड़ी यहां पर की होगी। समय बचाएगा, बेहतर शॉर्ट नोट्स होंगे, क्रिएटिव आइडियाज होंगे, उसको याद करने में बहुत ही कम समय में, और जब आप रिवीजन का भी टाइम आएगा तो बिना किसी बर्डन के कम से कम टाइम में कई बार या मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन के अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गई तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके सक्सेस रेशियोज बढ़ जाएंगे, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहोगे हो जाएगा, किसी भी एग्जाम को एक मिनिमम टाइम में टारगेट करके सक्सेस करना चाहोगे वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम अगर अभी से सही तरीके से काम करें तो क्यों ना हम अपना पहला कदम ही सही तरीके से लेकर आए। तो पहली चीज़, स्टेट और यूपीएससी में आपका अपना चुनाव है, वो आप पर निर्भर है। दूसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स को लेकर ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन यह बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसके सही कह सकते हैं कि लाभ को देखें, प्रॉफिट्स को देखें, बेनिफिट्स को देखें, बहुत सारी चीज़ें मैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें और डिस्कस कर देता हूँ उसके बाद। देखिए शॉर्ट नोट्स बाकी आप बनाइएगा, और अगर किसी ने बनाया होगा तो मैं क्लासेस शुरू करूँगा जब मेरा सब्जेक्ट में कुछ पढ़ाऊँगा तो मैं शॉर्ट नोट्स देखना भी चाहूँगा जो लोग भी क्लासेस में होंगे उस दौरान। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे साइंस की क्लासेस को लेकर के, और फिर बाकी अदर जो भी एस्पेक्ट होंगे हम उसमें भी चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो इसके लिए जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड होंगी उनकी अपने एक की पॉइंट्स बना लीजिएगा, करना क्या है लाइफ में, ठीक है। एक होता है आपको अपने समय का फिलहाल सदुपयोग के बारे में बात करते हैं। सबके पास 24 आवर्स सबके पास हैं, घंटे सबके पास हैं, आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। एक होता है स्टार्टिंग में बहुत देर तक पढ़ना। फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं 24 घंटे में अभी जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं आप स्टडी कर रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? ठीक है, तो 24 घंटे फिलहाल अभी आप क्लास कितने बजे से करते हैं? और शाम तो आई थिंक मैंने बीच में सुना था आप लोग सुबह से आते थे और शाम को 6-7 बजे तक बैठे रहते थे, ऐसा होता था? और इसके बाद फिर अगर मैं आपसे बोल दूं कि घर जाके इतना पढ़ के आइएगा तो ना मुझे बोलना चाहिए और ना आपको शायद वो कर पाएंगे। अर्थात मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता। देखिए इस 24 घंटे में आप, मैं कहूँ कि आप लगातार 24 घंटे पढ़ो, गलत। 12 घंटे पढ़ो सही है? नहीं। वाई? देखिए दिमाग जो होता है एक किसी भी काम को करते समय कितनी देर तक फोकस होकर उस काम को कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। आप एक काम को कितने समय तक फोकस होकर पढ़ सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो वो रिजल्ट देगा। लाइक किसी को 20 मिनट के बाद डिस्टर्बेंस हो जाती है, अर्थात आउट ऑफ द फोकस हो जाएगा। किसी को 1 घंटे हो सकते हैं, कोई 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई 3 घंटे पढ़ सकता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के संदर्भ में हो सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ आप में से कितने लोग अपनी सबको पता होगा, बताना है, रियलिस्टिक हो सकते हैं और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, आदर्शवादी भी, और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना। तो कोई बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा अपने कि कितने घंटे वो लगातार पढ़ सकते हैं बिना आउट ऑफ द फोकस हुए? हाँ आशीष, तो लगातार तो नहीं पता, लेकिन जिस चैप्टर को शुरू करते हैं उसमें इंटरेस्ट हो जाता है तो जब तक वो चैप्टर ना खत्म हो जाए तब तक मन करता है उसको खत्म करके। ओके, एक चीज़ आती है कि ये रीज़न हुआ कि हम लगातार कितने घंटे पढ़ सकते हैं, इसका एक रीज़न है कि क्या हमारा इंटरेस्ट है। अर्थात अगर ये इंटरेस्ट नहीं हुआ तो क्या हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है? पहली बात किसी का नहीं होता। हर एक व्यक्ति को हर एक सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। तो अगर कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता नहीं तो फिर उसकी स्टडी कैसे होगी? उसको भी उतना समय कैसे दिया जाएगा? उसको भी उतने ही अच्छे तरीके से कैसे तैयार किया जाएगा? क्योंकि उसे आप छोड़ करके पढ़ नहीं सकते।
आप प्री में किसी तरीके से काम चला भी लोगे, लेकिन मेंस में आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मेंस में अगर आप किसी को छोड़कर गए तो वहां पर हो सकता है वो आपको एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई भी कर दे। यहां पर इंटरेस्ट आता है कि कितनी देर, किसी ने कहा चैप्टर वाइज होता है, और कोई और किसी को पता ही नहीं, 45 मिनट 27 28 वही तो प्रॉब्लम है। लाइफ में अनइंटरेस्टिंग चीजों के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे, जैसे कि आपके ग्रुप में कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, कुछ फ्रेंड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती होती है, उनके साथ 2 घंटे 4 घंटे एक दो दिन निकल जाए, किसी टूर पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे अनोइंग पर्सन भी होते हैं जो अगर ग्रुप में आ गए तो बस किसी तरह उसको कैसे बाहर करना है, किसी तरह उससे कैसे पीछा छुड़ाना है, बस ये देखते रह जाते हैं। तो सब्जेक्ट भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिन्हें लगेगा यार एक बार क्या, दो बार पढ़ लो, रिविजन भी कर लो, एक्स्ट्रा टाइम भी दे दो, कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे आएंगे जिनको आपको बोल कर कहा जाएगा अच्छा ज़्यादा नहीं, आधे घंटे पढ़ लो, आपको आधा घंटा भी वो लगेगा 3 घंटे के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सब्जेक्ट ना तो आपकी कमांड का है, ना इंटरेस्टिंग है, ना तो आपको उसको पढ़ने मन लग रहा है, और ना ही वहां पर उसको फिर एक बार किसी तरह अगर पढ़ लिया तो फिर रिवीजन कैसे करना। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको जो अनइंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उनके साथ आप सिंपल वे में, अर्थात कि जो नॉर्मल तरीका होता है उस तरीके से मत पढ़ो। अर्थात जैसे कि आप फिलहाल कोई भी टॉपिक, जैसे हिस्ट्री अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जिस तरीके से पढ़ते हैं उनको उस तरीके से नहीं पढ़ा। उनको क्या करना है, उनको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, अर्थात इसको थोड़ा सा यूज लाना है, इसको हमेशा छोड़ नहीं देना है, इसको जितना इसको परेशान कर सको इसको करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रेशर डालना, इसको यूटिलाइज करना है, एग्जाम्पल्स देने, क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, करंट से अपडेट होना चाहिए, अर्थात नॉर्मल तरीके से ना पढ़कर उसको इनोवेटिव बनाने के तरीके देखिए। क्योंकि यदि आप उस टॉपिक को इनोवेटिव नहीं बनाएंगे तो वो टॉपिक आपको हमेशा परेशान करेगा। अच्छा चलिए बताते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं सब्जेक्ट का। चलिए कोई बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता पढ़ने। हाँ सर, जैसे हिस्ट्री क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पढ़ने के बाद मतलब इमेजिन भी करता हूँ कि पुराने समय में जो कैरेक्टर्स होंगे, कैसी गलती करेंगे, कैसे उनका डिसीजन है, तो जैसे पानीपत, आनंद मराठा, ऐसी सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन इकॉनमी के जब आपके वो सर के मास्टर वीडियो थे तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन जब मैंने देखा तो इकॉनमी मुझे बहुत ही मतलब बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा। लेकिन फिर इसको मैंने मतलब क्रिएट किया कि अगर मुझे अपने घर में अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो फिर मुझे क्या करना होगा, अगर अपने घर में वित्त मंत्री कौन है हमारे, तो ऐसी सारी चीज़ें मैंने क्रिएट करके अपने माइंड में रखा कि वित्त मंत्री मेरे हो सकते पापा हैं, डिसीजन मेकिंग मेरी मम्मी करती हैं, यानी वो कौन से पोस्ट मानती हैं, और जैसे बैंक ऑपरेटर, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी भी चला रहे थे, मंत्रालय भी घर में बना रहे थे। सही है, को देना चाहिए था कि हाँ। इंटरेस्टिंग बनाना, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो पीएम कौन था फिर? पीएम मेरे दादाजी। से दादाजी पीएम है, प्रजातांत्रिक है, तानाशाही तो नहीं है, फिर तो ठीक है, डेमोक्रेसी है, फिर चलेगा। हाँ और बताएं, डिस्कस करते हैं इस बारे में इकोनॉमी को लेकर। और कोई और अदर टॉपिक जिसको लेकर आपको दिक्कत में आता है, अनइंटरेस्टिंग लगता है, बोरिंग लगता है? मैथ को देखो, यहाँ पे वैसे भी इतना यूपीएससी तैयारी करने आया ना, तो एक चीज़ से जो पीछा छूट जाता है वो होती है मैथ। थोड़ी बहुत आती है रीजनिंग में, सॉरी सी सेट में, तो वहाँ पर अगर आप मैथ नहीं भी पढ़ोगे, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छा कर लोगे तो भी निकल जाए ना, क्योंकि क्वालिफाइंग है, नंबर आना नहीं, तो मैथ को तो साइड ही कर दो, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को ही आप चूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैथ वैथ को साइड ही करना है, ठीक है, तो वो तो पहले से साइड है। और कोई बताइए, इंग्लिश? हाँ इंग्लिश देखो, हिंदी वालों के लिए दिक्कत है थोड़ी सी। हाँ ओनली, बाकी अच्छी लगती हैं, तो ये तो भेदभाव हो गया। मिडवल और आधुनिक वाले बोलेंगे हम में, मतलब एशियन बोलेगा कि हमारे में क्या गलती थी, हम तो सबसे पहले आए और हम ही यहाँ पे बोरिंग हो गए, ये तो गलत बात है। लेकिन ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और कोई, पॉलिटी भी बोरिंग है, आर्टिकल्स याद नहीं होते, हाँ वो है। और कुछ, चलिए मतलब अलग अलग टॉपिक है। हाँ आर्टिकल के बारे में मुझे ये था कि कैसे 100-200 आर्टिकल याद किए जाएंगे, लेकिन फिर
मल्टीपल रिवीजन के बाद अगर चार से बाद रिवीजन कर लिया जाए तो अधिकतर सारे आंसर याद हो जाएंगे अगर इसको यूज किया जाए लाइफ में। अगर मैं तो गलती करता हूँ कि आजकल मेरे लिए अहंकार साबित हो सकता है, मेरे क्या अधिकार है, अगर उसको मैं अधिकार से मतलब पुनर्ट करता हूँ तो आजकल मेरे ऐसी ये सब चीजें करती हूँ तो बाकी सारी आजकल याद हो जाती है। हाँ मानता हूँ सारी चीजें नहीं याद हो पाई मुझे, लेकिन चार से बाद रिविजन करने के बाद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के बाद उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत आजकल याद। चलिए हम बात करते हैं, एक बहुत मैंने भी बहुत सुना है ये, तो चलिए कुछ सब्जेक्ट मैंने सुने हैं, लेकिन एक साउट टॉपिक आता है इकोनॉमी। मैंने बहुत बच्चों से सुना है सर इकोनॉमी बोरिंग लगती है, व्हाई? देखो इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है सिर्फ, इकोनॉमी टोटल कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको इकोनॉमी बोरिंग लगती है तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट में वीक है। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, तो इकोनॉमी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को व्यवहारिक बनाना पड़ेगा, अर्थात एग्जांपल्स। इकोनॉमी को याद रखने के लिए देखिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जो एग्जांपल याद किया है आपको बोला जाए रेपो रेट लिख के आइए तो आप एग्जांपल लिख के आ जाओगे, या आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा रेपो रेट में तो रेपो रेट के वही चीजें आएंगी जो आप पढ़ोगे बुकिश नॉलेज में वही आएगा, लेकिन उस चीज को समझना कैसे है इसके लिए आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं, और एग्जांपल मैं कहूंगा इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होता है, हर चीज को आप एग्जांपल से समझ सकते समझेंगे। इकोनॉमी वैसे आपने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ी होंगी, सर ने पढ़ाया भी होगा, आप लोगों की कंप्लीट हो गई होगी ऑफलाइन में। अच्छा आप लोगों का नया बैच है, चलिए ठीक है कोई नहीं, इकोनॉमी आगे होगी तो फिर पढ़िएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, अब बैंक पढ़ना है तो बैंक में यहाँ पर RBI की अपनी भूमिका है, भूमिकाएँ आपको याद हो जाती हैं, लेकिन रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मतलब आपको फिर उन सारी चीज़ों में डिफरेंसेस क्या है, किसके घटने बढ़ने से क्या फ़ायदा नुकसान होता है, महंगाई क्या है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे कैसे हो जाता है, बुल और बियर क्या होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट आएगी। इसको समझने के लिए इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एग्जाम्पल पता होने चाहिए और वो एग्जाम्पल आपको नोट डाउन होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से अगर आप पढ़ोगे तो इकोनॉमी आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी, इकोनॉमी से ज़्यादा व्यवहारिक टॉपिक आपको मिलेगा ही। हिस्ट्री क्या है आप सोच सकते हो लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हो चुकी चीजें, लेकिन इकोनॉमी आप अप्लाई कर सकते हो, आप दैनिक दिनचर्या में उसे डेली होते हुए देख सकते हो, न्यूज़पेपर में देख सकते हो, टीवी न्यूज में देख सकते हो, मैं आपको शेयर मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, बैंकिंग व्यवस्था में जो चीजें चल रही हैं, आपको हर दिन न्यूज़पेपर में आएगा। तो अगर आप इकोनॉमी के साथ अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब कहते हैं इजी गोइंग सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कोई हो सकती, इससे अच्छा करंट आपका अपडेट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसको लेकर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार मेहनत करनी है वो है आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो इकोनॉमी को अभी पढ़ने के लिए यहां पर अभी मैं कुछ बता भी दूंगा तो अप्लाई नहीं होगा, ये तभी हम डिस्कस करेंगे जब इकोनॉमी पढ़ाया जाए, मेरा सेशन होगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा तो इकोनॉमी को लेकर, तो फिर मैं आपकी इकोनॉमी वाली जो कहते हैं ना एक भूत टाइप का लोग होता है जिससे लोग डरते हैं तो वो खत्म हो जाएगा आपका, बहुत ही सिंपल वे में एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को आसान भाषा में और व्यवहारिक चीज़ों को लेकर चलूँ, और आपको वो चीज़ें मैं नोट कराऊंगा जो शायद आप अभी तक बुक आपको छूनी ही नहीं पड़ेगी, बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं पढ़ा दूंगा बस आपको उतना ध्यान रखना पड़ेगा और उन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम बस पढ़ लीजिएगा इकोनॉमी को, एक बार में पढ़ते टाइम उसी का रिवीजन, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा उसको वहाँ पर बिना छोड़े, तब आपका काम हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट देखिए इन सारी चीज़ों को लेकर मैं एक सिंपल से कहूँगा, जो भी टॉपिक है इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, एग्जांपल्स को थ्रू देखना उसको बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप इसे ऐसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं बन सकता है। जैसे सिंपल में कहें इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट कहेंगे सर आपके अपने पैसों का किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके फ्यूचर के दृष्टिकोण से प्रॉफिटेबल स्थितियों को देखना, एक सिंपल वे में दिखाया। अब इसी को अगर मैं कहूँ और भी सिंपल कैसे बनाएं, तो कहते हैं आजकल जो एक बहुत ही एनी वे मत लीजिएगा, जैसे एग्जांपल है हंसने के दृष्टिकोण से लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है ना, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिलहाल घर वालों को नहीं पता, लेकिन आपने क्या किया किसी में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट क्या किया, अपने इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, फ्यूचर के दृष्टिकोण के आइडियाज आपने एक दूसरे से शेयर किए, शेयर किस दृष्टिकोण से किए,
फ्यूचर क्या देखते हैं कि आपको फ्यूचर में जा करके क्या एक साथ रह सकते हैं, कंपैटिबिलिटी। तो आज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप एक साथ रहते हैं हम चीजों को कैसे देखेंगे। ये चीजें क्या है, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट आपको कोई भी चीज देखनी है आपको उसके एग्जाम्पल होने चाहिए। बैंकिंग के दृष्टिकोण से अगर देखना है तो बैंक में आप जाते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने के साथ आप पैसा वहां पर जाकर कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एफडी करा लेना। एफडी क्या है, फिक्स डिपॉजिट, जहां पे आपने कुछ पैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालना। म्यूचुअल फंड्स कहां पे जाता है, आपको शेयर मार्केट में जाता है पैसा। लेकिन एफडी और म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंसेस क्या है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दोनों इन्वेस्टमेंट में आपको डिफरेंट क्या है, एफडी आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, वो आपको एक टाइम के बाद वापस उतना ही मिल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप ऐड देखते होंगे तो वहां पर नीचे आपको लिखा हुआ आता है कि आपको सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मार्केट को भाई देखना है, ये आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और यहां पर कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, इसके डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। वो पहले ही आपको आगाह कर देगा कि देखो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और करिए भी, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाती है तो इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये ठीक ऐसा ही हो गया कि घर वालों ने कहा ठीक है लव मैरिज तो कर लो, लेकिन आगे अगर कोई दिक्कत हुई तो हमारे पास मत आइए, ठीक है। और अरेंज मैरिज जो होती है एफडी की तरह होती है, जिसको घर वालों ने करा दिया है आगे भी जो दिक्कत होगी वो कहीं कुछ आना नहीं है, वो आपको हो जानी है। तो एग्जांपल्स अगर आप क्रिएट कर लेते हो तो चीजें आपको हमेशा याद रहने वाली, और इसके बहुत सारे एग्जांपल होंगे, बहुत तरीके एग्जांपल हैं, एक ही टॉपिक को आप कई तरीके समझ सकते हैं। और एक बार अगर आपने आइडियाज को डेवलप करना इकोनॉमी में शुरू कर दिया तो आपको खुद आइडियाज आएंगे, आप कोई चीज देखोगे तो उस पर आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे। जैसे इन्होंने कहा घर का एग्जांपल इन्होंने लिया कि कोई चीज पढ़ते समय उसको आप घर में अप्लाई करते हैं, हाँ घर में कौन सी चीजें हैं, किसको क्या भूमिका दी जा सकती है, कौन किस तरीके काम करता है, वैसे ही इकोनॉमी भी है। इकोनॉमी को भी जब आप पढ़ेंगे तो उसी कॉन्सेप्ट को आप कैसे आसपास की चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया इकोनॉमी को तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। तो इकोनॉमी को सिर्फ बुक में मत पढ़िएगा, पहली चीज, जो भी सब्जेक्ट है मैं कहूंगा कि सिर्फ बुक में मत पढ़िए, एग्जाम्पल्स ढूंढिए, अपने आसपास की चीजों के साथ उसे इंटररिलेट करिए, करंट के साथ अपडेट रखिए। अगर आप ये चीजें अप्लाई करेंगे कोई भी सब्जेक्ट आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमाइजेशन में आपको रिजल्ट उसका मिलना शुरू हो जाएगा। और ये करके देखिएगा, अगर आप अभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ, कहते हैं ना कि प्रयोग करना है तो आप अभी कर सकते, क्योंकि साल दो साल के बाद प्रयोग नहीं करना है, तब तक आपके पास एक बेटर आइडिया प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी का जो टाइम है वो प्रायोगिक है, जो भी पढ़ो जैसे भी उस पर आप स्टडी कर रहे हो उसको लगातार चीजों को कैसे करना है, क्या कर सकते हो, उसको बारे में सोचते रहिए, माइंड को लगातार आप नई नई चीजों के बारे में उसको तैयार करते रहिए। और जब ये चीजें माइंड आपको इस हिसाब से सोचना शुरू करेगी तभी से एग्जाम में आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप ये सोच के आए हैं कि एक परंपरागत क्लास में आएंगे जहां टीचर आएगा पढ़ाएगा पढ़ा के चला जाएगा, आपको कुछ काम दे दिया, आप भी घर जाओगे, फिर आप उसे एक दो बार पढ़ लोगे फिर वापस आओगे क्लास में, तो ये चीज़ें अगर आप करने आए हैं तो मैं कहूँगा इसमें बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, और आपको शायद वो रिजल्ट के मिलने के कितने चांसेस होंगे ये साल दो साल बाद भी आप वहाँ पर संशय में रहने वाले। लेकिन अगर आप, मैंने जो अभी कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप इसके थ्रू आगे बढ़ने वाले तो साल भर वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बेनिफिट्स आपको एक दो सब्जेक्ट के बाद ही दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर एक बार आपको इसके बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे तो इसको आप अपनी दिनचर्या में ले आइएगा, अपने स्टडी, अपने टाइम टेबल, अपनी पढ़ाई के तरीके में इसको शामिल करिए। जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मैं कहूँगा शायद अब तक आपने जितनी प्रिपरेशन की होंगी, जितना जो पढ़ा होगा उससे कई गुना बेटर अपने आप को पाओगे। और इसको लेकर देखो मेंटली भी अच्छा लगेगा, कहते हैं किसी चीज़ का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है तो वो सबसे अच्छा और पॉजिटिव आपको माइंड में एक एनवायरनमेंट बनना शुरू होता है, आप उस चीज़ को बार बार करना शुरू कर देते हो। ये कुछ ऐसा ही होगा जो आपको वो एनवायरनमेंट देगा पढ़ने को लेकर के जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सर रवि सर आएंगे, वो अपना डिस्कस करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी क्लास के थ्रू, क्योंकि क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा के उसको डिस्क्राइब करते हैं। वर्कशॉप में मैं बस मोटी मोटी चीज़ें आपको बताएंगा, बहुत छोटी चीज़ें, दो ही तीन चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूं और आप उनमें से एक भी अप्लाई करने के लायक ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरी जो मैंने जो चीज़ें बताई मैंने सिर्फ तीन चीज़ें बताई हैं आपको, इन तीन चीज़ों पर काम करिए। पहला तो UPSC UPPSC को लेकर एक क्लियर माइंड बना लीजिएगा या जो भी स्टेट PSC का है। दूसरा, यहाँ अपने शॉर्ट नोट्स पर मेहनत करिएगा। और तीसरा, अपने टाइम के उपयोग को लेकर काम करिएगा।
अगर आप इन तीन चीज़ों पर आज से काम करना शुरू करेंगे और इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको बीच बीच में ऐसे कई सारे इनपुट्स दूंगा जो आपकी लाइफ को, स्टडी को और एनवायरनमेंट को चेंज कर देंगे। और इसके रिजल्ट मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रिजल्ट आपको जब खुद मिलेगा खुद ही आप आके कहोगे सर अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलें, ठीक है? और बाकी